आधार कार्ड बनवाने में 100 रुपया लिया जा रहा है। यह मामला समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के मंगलगढ़ पोस्ट ऑफिस की है। आधार कार्ड बनवाने में लोगों से 100 रुपया लेने के बदले में मात्र 30 रुपया का ही रसीद दिया जा रहा है। यह मामला तब उजागर हुई जब हमारे पी न्यूज के रिपोर्टर नेहल अहमद ने एक आम आदमी के नागरिक के रूप में आधार कार्ड बनवाने पोस्ट ऑफिस मंगलगढ़ गया था, तब उनसे ही 100 रुपया मांग की गई और आम लोगों से भी लिया गया था। रिपोर्टर ने इन सारी बातों को मोबाइल में वीडियो बना लिया था। अब देखना है कि इस सुशासन बाबू के राज में क्या डाक विभाग कार्रवाई करते हैं, आकि फिर मामले को लिपापोती कर देते हैं। पी न्यूज से मैं कृष्ण कुमार संजय। आप ही भरते हैं? आधार कार्ड बनवाना था जी, बनाइए ना। किस बार लगता है? 30-100 रुपया लगता है। 100 रुपया चलाना मत देते। 100 रुपया का नहीं, रसीद मिलता है ना जी? वही रसीद मिलेगा ना। कौन रसीद? रसीद जो यहाँ से काटते हैं। यहाँ से रसीद काटते हैं? हाँ। हेलो, तो रसीद काटते हैं तो 100 रुपया लिख के देते हैं उसको। 100 रुपया का रसीद है। कैसे गए हो? बुक करता है उनसे, बात के लिए उनसे बुक करता है सके लिए। अच्छा भाई जी, पैसा कौन सुनता है, इनसे बात करें। हम तो फॉर्म भर वहाँ पर सुने हैं। सगीर सर बोल रहे कि 100 रुपया लग रहा है। 100 रुपया लग रहा है बोल रहे आधार कार्ड में। देखो मेरे पास सब फ्री पैसा आती है, कुछ आप अपना बैठ के कर लीजिए। हम वेरीफाई करने का आपको पावर हम वेरीफाई कर नहीं, पैसा की बात जो है 100 रुपया जो लग रहा है नहीं, वही हम आपको कह रहे हैं। क्योंकि मेरे यहाँ आदमी है नहीं, मैं कोई बाहरी आदमी दिया आपको। अगर आप सक्षम है आपको आपका बना देता है, बना लीजिए, हम वेरीफाई कर देंगे। आप ही वो कहेंगे यहाँ बैठ कर भर दिन हमारे पास रहिए, आप कहिएगा हम क्यों बैठेंगे, कहिएगा तुम्हें फिर आप बैठिएगा मेरे पास कोई काम करने के लिए। मतलब ये ऊपर से है कि आप लोग अपना आप लोग का? नहीं नहीं, वो बाहर यहाँ ऊपर से फिक्स भी है। ऊपर से फिक्स? हाँ। भी आप स्टाफ रख के काम कराइए। हाँ, आउटसाइडर का रखने का मैंने था प्रॉब्लम। उसके बाद जो है सो 30 रुपया का रसीद कटता है। 70 रुपया स्टाफ के लिए जो बनाता है उसके लिए, तो आप ही के थ्रू ना होगा? नहीं नहीं, आपका संपत्ति है, आप अपना बैठ के बना लीजिए बस। हमारे तरफ से कोई अथी नहीं, फ्री है। जिसको नहीं बनाने के लिए आता उसको तो 100 रुपया लग जाएगा। तो क्या कीजिएगा उसका, आप मैंने व्यवस्था बोलिए, आप ही बोलिए उसका क्या व्यवस्था किया जाए। उसके लिए तो मान लीजिए ब्लॉक अनुमंडल सब जगह व्यवस्था ना, क्या सिंगल हैंड डाकघर के लिए मंगलगढ़ के लिए अलाव नहीं था? ये मंगलगढ़ डाकघर के लिए अलाव नहीं था। प्रकाश बाबू होम और सुप्रिंटेंडेंट साहब इन्हीं के यहाँ बचे हुए थे। तो प्रकाश बाबू बोले जो हमारे क्षेत्र का कम से कम कल्याण हो जाएगा सर, इसलिए है सो ये वो कम से कम मेरे यहाँ दे दिए। बात समझे? बैठिए ना, पहले बैठिए। ठीक है, बोलिए क्या। तो प्रकाश बाबू के कहने पर ही सुप्रिंटेंडेंट साहब बोले ठीक है सो हम आपको वो दे देंगे यहाँ। तो ये बात हुई जो भाई कैसे बनाया जाए, हम पूछ बोले दो अपना है अपना एगो देवो बना देना अपना। तो एगो देवो बनाने से मान लीजिए एगो आपका हम बना देंगे, आप देखिएगा जिसको बना रहे हैं बहुते हो गया, आप मानिएगा हमको कहने का मतलब, मानिएगा आप अपना हो गया, ये अपना हो गया, वो अपना हो गया, किसको कहिएगा ना, किसको कहिएगा। मेरे साथ समस्या यही, और मेरे साथ मान लीजिए काउंटर यहाँ का काम,
क्या क्या कर पाएंगे। बस आपके यहाँ बस ये सुविधा है, आप चाहे हम लेबर ऐसा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा है 100 रुपया पब्लिक को आखा जाता होगा देने नहीं है? को बैठ दे दीजिए आप को। आप लोग आधार कार्ड बनाने की आए हैं? पैसा लगता है? कितने रुपया लगता है? 100 रुपया लगता है आधार कार्ड का? रसीद उसे भी मिलता है 100 रुपया का? कुछ चलान वालान भी मिलता है? आधार कार्ड का कुछ पैसा भी लगता है? हाँ लगता है। कितना लगता है? डरिए मत, कितना लगता है? 100 रुपया। कितना लगता है? 100 रुपया। 100 रुपया लगता है। कितना मांगा गया आप लोग से आधार कार्ड के लिए? हाँ